जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एंड सीआईएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम हैं जेपीएससी जेएसएससी प्रीलिम्स मैराथन के डे 5 में, जिसमें हम यहां 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बारे में अंदाजा होगा और रिवीजन होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 43, ऑप्शन सी धारा 22 एंड ऑप्शन डी धारा 42। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, ऑप्शन ए धारा 23 है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे? ऑप्शन ए वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, ऑप्शन बी वाद हेतु के उत्पन्न होने के 3 साल के भीतर, ऑप्शन सी वाद हेतु के उत्पन्न होने के 7 साल के भीतर या ऑप्शन डी वाद हेतु के उत्पन्न होने के 5 साल के भीतर। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 60, ऑप्शन बी धारा 70, ऑप्शन सी धारा 50 एंड ऑप्शन डी धारा 40। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। हम जानते हैं धारा 60, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2017, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2014, ऑप्शन सी 11 जनवरी 2017 या ऑप्शन डी 11 जनवरी 2014। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं 1 जनवरी 2014। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा? ऑप्शन ए 1 महीने के किराए से, ऑप्शन बी 3 महीने के किराए से, ऑप्शन सी 7 महीने के किराए से, ऑप्शन डी 2 महीने के किराए से। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं 1 महीने के किराए से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जोजो हाथु जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है? ए क्रोमाइट, बी काइनाइट, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी मैग्रेटाइट। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं ऑप्शन ए क्रोमाइट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं? ए जादूगोड़ा, ऑप्शन बी नरवा पहाड़, ऑप्शन सी तुरामडी, ऑप्शन डी ये सभी। तो हम जानते हैं यूरेनियम जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी सभी में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी ये सभी इसका सही आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मोतीझारा जलप्रपात डैश नदी पर बना है? ऑप्शन ए गुमानी, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी बांसलोई या ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो हम इसका सही आंसर जानते हैं अजय, ऑप्शन बी जो कि मोतीझारा जलप्रपात बना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए भवनाथपुर, ऑप्शन बी मझिया, ऑप्शन सी उटारी, ऑप्शन डी भंडरिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं भंडरिया ब्लॉक से प्रवेश करती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पीपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड डैश में स्थित हैं? ऑप्शन ए सिमरिया, ऑप्शन डी करेडारी, ऑप्शन सी बड़का गांव, ऑप्शन डी टेंडवा। तो हम इसका सही आंसर जानते हैं जो कि टेंडवा है, ऑप्शन डी टेंडवा इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन सी चानन या ऑप्शन डी ये सभी। तो हमको पता है कि नगड़ी में स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल निकलती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में बहिर्जात या बहाय स्थान संरक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन ए बेतला नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पलामू सेंचुरी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा जीव पार्क, ऑप्शन डी पालकोट सेंचुरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं ऑप्शन बी बिरसा मुंडा जीव पार्क जो कि एक एक्स सीतू एग्जाम्पल है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आचरण क्षेत्र डैश है। ऑप्शन ए 29.62%, ऑप्शन बी 29.12%, ऑप्शन सी 29.02%, ऑप्शन डी 29.92%। तो हम जानते हैं झारखंड में कुल वन क्षेत्र है 29.62%, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष डैश हैं। ऑप्शन ए 0.08 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 0.8 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 0.008 हेक्टेयर या ऑप्शन डी 0.2 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं 0.08 हेक्टेयर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हम जानते हैं ऑप्शन डी 18 है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा रैंक है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी। या चार, झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में बनाई गई है। उपर्युक्त कथनों में कौन सही नहीं है? तो उपर्युक्त कथनों में हम जानते हैं कि ये सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई। दो, वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यापन हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन तीन, वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधनिक घोषित किया गया है। या ऑप्शन चार, प्रत्यापन पुनरूपण स्वैच्छिक है। उपर्युक्त में से कौन सही है बताइए। ऑप्शन ए है केवल चार, ऑप्शन बी केवल एक, ऑप्शन सी 1, 2, 3 या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1, 2, 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी 2008। इसका सही आंसर हम जानते हैं 2008। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है, वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। ऑप्शन तीन, इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुँचाना है। ऑप्शन चार, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई। इनमें से कौन सही है? तो 19 का ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल चार, केवल तीन, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हम जानते हैं 1, 2, 3, 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। PVTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? इसकी शुरुआत 2017 में हुई। ऑप्शन टू, यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खनन सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से मिलता है। ऑप्शंस देखते हैं, केवल तीन, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3 सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379
0.71 एकड़ जमीन अतिरिक्त है, तो मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? ऑप्शंस देखते हैं, 3545.34, ऑप्शन बी 3653.97, ऑप्शन सी 7199.51, ऑप्शन डी 10120.39। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, बताइए क्या है? ऑप्शन सी 7199.51। क्वेश्चन नंबर 22, टाटा रोबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था, TRF की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए 20 नवंबर 1962 को, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1907 को, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 20 नवंबर 1965 को। तो आइए इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 16 अगस्त 1947 को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए 155.3 मेगावाट, ऑप्शन बी 147.2 मेगावाट, ऑप्शन सी 100 मेगावाट, ऑप्शन डी 165.1 मेगावाट, 165.1 मेगावाट। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, हम जानते हैं 155.3 मेगावाट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाएं, कंपनी का नाम हुडको, वेदंता लिमिटेड, डालमिया सीमेंट भारत और बालीडी बोकारो 14, हरमू रांची 2, अशोक नगर लिमिटेड और रांची। तो हम जानते हैं, इसका मिलान करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, तो ऑप्शन हुडको का अशोक नगर रांची, वेदंता लिमिटेड का हरमू रांची 2 और डालमिया सीमेंट भारत बालीडी बोकारो 14। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी CBA होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फूटा उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी की हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास, यह नीति कब बनाई गई थी? माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। तो इसका सही आंसर बी 2017 होगा। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फूटा उद्देश्य समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी के विकास का के लिए बनाया गया था, इस नीति कब बनाई गई है? तो ये 2017 में बनाई गई है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25 से 26, PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है, यह योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2021। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं 2001 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य, झारखंड के परियोजना के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है, इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? आइए देखते हैं ऑप्शंस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी एशियाई विकास बैंक या डी ब्रिक्स बैंक। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, एशियाई विकास बैंक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? ऑप्शन ए योजना मनरेगा के तहत चलती है, ऑप्शन बी इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, ऑप्शन सी इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, ऑप्शन डी इस योजना के तहत गाँव के पहुँच मार्ग साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है।
तो इसका सही आंसर बताइए, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शंस अलग प्रकार के दिए हैं शायद, नहीं सॉरी, तो इसका कौन सही क्या सच नहीं है? तो इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, ये पढ़ने में ही गलत है, ये ऑप्शन बी होगा, 28 का सही आंसर ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई है? मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी गिरिडीह विश्वविद्यालय, रीडिंग विश्वविद्यालय, ये गिरिडीह होगा, सी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीति विज्ञान, ऑप्शन डी लीड्स आर्ट यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, कि कौन सा कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो हम जानते हैं गिरिडीह विश्वविद्यालय ही शामिल नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है, ऑप्शन सी रिची ट्रस्ट एनजीओ रांची के जोन्हा में एक मेसो अस्पताल चलाया जाता है, ऑप्शन डी इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल एक रुपया लिया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल एक रुपया लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, आपको पता है लास्ट क्वेश्चन आपको बताना होता है, तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे एक्सेलेंस CIS ऑफलाइन बैचेस सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी में चल रही हैं, PT और मेंस की, तो हमारे साथ जुड़िए, और इसी तरह हम नेक्स्ट डे 30 क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।